और एक कहूँगा कि हम सभी लोग माँ के पुत्र यहाँ पर हैं, न कोई बड़ा न कोई छोटा, और माँ के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुई है जो उनकी चरणों में उन्होंने मुझे फिर बुलाया है। यही कार्यक्रम मैं करीबन मैंने आरंभ किया था 1970 में, 69-70 में पटने में राजेंद्र नगर मोहल्ले नाला रोड से ही मुझे प्रेरणा मिली थी। अपने ही जिले के थे औरंगाबाद के मानिक भट्टाचार्य, अंग्रेजी के शिक्षक थे, अंग्रेजी के शिक्षक औरंगाबाद गेट स्कूल में और यहीं नाला रोड में उनका निवास स्थल था। उनके दो पुत्र थे, एक उसको हम लोग बोलते थे बुद्ध भट्टाचार्य, बुद्धव भट्टाचार्य जो बंगाल के मुख्यमंत्री भी हुए, वो बाद में यहाँ से चले गए थे बंगाल वापस विद्यार्थी जिंदगी में ही। और न कोई छोटा न कोई बड़ा, शिवो अहम अहो अहो पुरुष सुहस्मय, हम लोग अपने दिल में उसी भावना को लेकर चले जैसे ईश्वर की वंदना करते हैं, जिसे आप शिव पास कहते हैं भोले बाबा, उसी तरीका से एक दूसरे के लिए भी दिल में बच्चे की निश्चलता के संग स्थान रख के बड़े आगे, और अवश्य ही परिश्रम डेडिकेशन डिवोशन विद द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड, विद द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड सेइंग समथिंग अबाउट मटेरियल एंड दैट ओनली इम्पार्ट्स इनर सेटिस्फैक्शन। और सर्वप्रथम मैं बोलूँगा भाषाओं का ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान, जैसे देसी भाषाओं में हम लोग बंगाली बांग्लाती के कथा करूँ, और अंग्रेजी फ्रेंच ये हम लोग जो इन्होंने उज्ज्वल जी ने आरम्भ किया है, मैं इनसे अवश्य चाहूँगा कि यहाँ पर अंग्रेजी के भी क्लासें हों, हम लोग स्लम एरियाज में जाएं, जिसे मैंने 1969-70 में शुरुआत किया था राजेंद्र नगर में, इसको डोमटोली पहले बोलते थे फ्री स्कूल, पहले डॉक्टर ए के सेन थे, डॉक्टर बी मुखोपाध्याय, उनकी पत्नी एन मुखोपाध्याय फादर हास मैं थे, और बगल का एक डॉक्टर डॉक्टर एच एन दिवाकर हरिहरनाथ दिवाकर, पटना छोड़ा तब वो समाप्त हो गई। अब उज्ज्वल जी से मुझे एक नई प्रेरणा मिली है कि जो मेरे दिमाग में था मेरे दिल में था वही कार्य कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है जिस तरीका से अंग्रेजी हम लोग सिखलाते थे 2 से 3 महीना में लोक धारा प्रवाह 3 महीना, हाँ दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली से सर्टेन बुक्स मैं कहूँगा लाने के लिए, सर्टेन हम लोग के टाइम में सीडी नहीं कैसेट्स होते थे, और उसके अलावे मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में था तो हर साल आप देखिएगा अभी भी हूँ, जब नेत्र थे नेत्र अभित्री आप लोग हैं, हर 7 से 8 हज़ार स्कॉलरशिप विदेश के लिए है, तो वो तो दूसरी बात है स्कॉलरशिप के, लेकिन हम लोग करियर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग जो लड़के ने 10th किया है जिसने 12th किया है उसके बाद क्या करे, हाँ ये अपनी मातृभूमि है, मातृभूमि तो सारी दुनिया ही है, लेकिन इस देश को गरिमामय हम लोग बनाए, यही माँ गायत्री अपने हम लोग के भक्ति साधना एकाग्र चित्ता से अपने में समाहित कर लेवे, मेरी कामना तो यही रहेगी, लेकिन हम लोगों को शक्ति सौर्य दीप्यमान गरिमा प्रदान करें, आप हम लोग को आशीर्वाद के रूप में दें, हम लोग सभी उसी माँ के पुत्र हैं, और आप जब कहिएगा अंग्रेजी के लिए मैं कहूँगा सप्ताह में एक दिन मैं अवश्य आऊँगा, भले ही नहीं सोचिएगा कि देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं मेरे संग कुछ और लोग रहेंगे विद्यार्थी, आप जहाँ पर भी उज्ज्वल जी बोलेंगे स्थान जिस स्लम एरिया से मेरे ग्रुप हैं जो उस तरीका से जाकर के पढ़ा सकते हैं, अभी तो मेरे संग एक ही दो हैं, लेकिन धीरे धीरे यदि देखूँगा इंटरेस्ट तो अंग्रेजी में अवश्य ही हो जाएंगे नंबर वन। सेकेंडली करियर काउंसलिंग, 12th के बाद बहुत लोग इंजीनियरिंग चाहते हैं, बहुत से लोग मेडिसिन, कॉमनवेल्थ नेशंस में पहले हम लोग को जाने के लिए वीसा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब मेडिकल के लिए एक सर्टेन एग्ज़ाम देना पड़ता है,
लेकिन इंजीनियरिंग के लिए 7 से 8 हज़ार स्कॉलरशिप्स है, ऑल्सो फॉर बीए ऑनर्स, फॉर बीएससी ऑनर्स, मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, ये सब हो गया है। तो यहाँ पर यही नहीं भूल करके जब इस लक्ष्य से आइएगा, इसकी जानकारी के लिए हम लोग स्कूल में थे तो करियर काउंसलिंग होती थी, तो जो भी इंटरेस्टेड रहे उसके लिए मैं ही नहीं बल्कि डिफरेंट एम्बेसी से लोग यहाँ पर आएंगे। और भारत माँ जो प्राचीन काल में थी, आप लोग को ड्रामा प्लेज देखते हैं, भरतनाट्य शास्त्र, उसी के बाद आप प्लेटो अरस्तो उनके बाद में देखते हैं, अरे अरस्तो मतलब अरिस्टोटल। तो अपनी प्राचीन काल की गरिमा को हम लोग वापस लाएं, माँ से प्रार्थना करें और माँ के ही पुत्र बन के हम लोग सदा रहें, और माँ के पास लाने के लिए मैं उज्ज्वल जी का कृतज्ञ हूँ। अब कार्यक्रम की